हेलो जी, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जैकपॉट होम्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेके आते हैं नई नई प्रॉपर्टी का वीडियो। तो आज हम आपको लेके आए हैं वैशाली नगर वेस्ट की एक शानदारी प्राइम लोकेशन में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं 200 गज की एक शानदारी कोठी, जो कि होने वाली है अपनी 30x60 की आज की हमारी कोठी रहने वाली है। एक बार इसका एलिवेशन देख सकते हैं आप, शानदारी आपको इसका एलिवेशन मिल जाएगा। जस्ट एंटर करते ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे शानदारी पोर्च एरिया मिल जाएगा आपको, जो कि बढ़िया क्वालिटी में आपको बढ़िया कंस्ट्रक्शन के साथ में बनाया हुआ है। जस्ट एंटर करते ही आपको मिल जाएगा कि हेवी क्वालिटी के अंदर आयरन प्लस ग्लास के साथ में डोर मिल जाएगा। जस्ट एंटर करते ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक अच्छा कार पार्किंग, जहाँ पे अपन अपनी 2 SUV या फॉर्चुनर आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाटर का प्रोविजन, जो कि अपनी ये तो बोरिंग सेपरेट बोरिंग आ गई, ये अपना वाटर टैंक आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे टोटली फुली स्पेस में आपको पार्किंग मिल रही है। ऊपर आप देख सकते हैं फोर्सलिंग देख सकते हैं, बढ़िया आपको फोर्सलिंग मिल जाएगी। जस्ट इधर आप देखना चाहते हैं तो इधर भी आपको यहाँ पे पार्किंग वगैरह, मीटर का प्रोविजन वगैरह प्रॉपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। या आगे अपनी शूज़ रेक, यहाँ पे अपन अपने शूज़ वगैरह आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। या आगे अपनी स्टेयर से जस्ट एंटर करते अपन चलेंगे अपने लिविंग एरिया की तरफ। ये आगे अपना लिविंग एरिया, टोटली काफ़ी स्पेसेस अपना लिविंग एरिया रहने वाला है, जहाँ पे लिविंग एरिया के अंदर अपन ने 10x11 सीटर सोफा सेट किया है, जिसके अंदर आपको सेंटर टेबल मिल जाएगी, सामने आपको LED मिल जाएगी, यहाँ पे आपको AC वगैरह प्रॉपर सब कुछ आपको यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है। वहाँ पे देख सकते हैं कटन वगैरह सब कुछ, आपको फैंस वगैरह सब कुछ प्रॉपर लगा के दिया जा रहा है। एक बार झूमर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी साइज़ में हमने यहाँ पे झूमर का प्रयोग किया है। साथ ही प्रोफाइल लाइट का यहाँ पे इस दीवार पे देख सकते हैं लाइट का यूज़ किया है, साथ में वुडन के साथ में। जस्ट पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना कॉमन लेट बाथ मिल जाएगा, जो कि काफ़ी स्पेसियस इसका कॉमन लेट बाथ रहने वाला है। लाइटिंग की बात की जाए तो बढ़िया ही लाइटिंग के साथ में अपना पूरा टोटल विला रहने वाला है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी लिफ्ट का प्रोविज़न, जो कि विला के अंदर बहुत कम देखने को अपन को मिलता है कि विला के अंदर भी आपको लिफ्ट मिलती है, हमने इसके अंदर भी लिफ्ट का प्रोविज़न दिया है आपको। जस्ट एंड पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना फर्स्ट बेडरूम, जो कि काफ़ी स्पेसियस अपना बेडरूम रहने वाला है। किंग साइज़ में आज का हमारा बेड रहने वाला है। बेड की बात की जाए तो दोनों साइड में आपको लूअर्स का काम मिल जाएगा, साथ में आपको वॉलपेपर के साथ में कुल्टिंग का अच्छा ही काम मिल जाएगा, जिसके साथ में आपको फुल्ली फर्निश्ड करके अपन दे रहे हैं। बेड की बात की जाए तो इसके अंदर भी आपको हाइड्रोलिक वगैरह मिल जाएंगे, जिसमें अपन एक्स्ट्रा सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं आपको LED का प्रोविज़न मिल जाएगा, जो कि LED पैनल अच्छी डिज़ाइन में बना के दे रहे हैं, लूअर्स का साथ में भी यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक अच्छा सा बाथरूम। एंटर करते ही आपको मिल जाएगा वार्डरोब को प्रोविज़न, जहाँ पे अपन वार्डरोब वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाएगी। नीचे आपको शूज़ रेक का प्रोविज़न मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने शूज़ रेक वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ड्रेस चेंज करने के लिए मिरर। जस्ट एंटर करते ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे अच्छी जगह में और अच्छे स्पेस के अंदर आपको लेट बाथ मिल रहा है, जिसमें शावर एरिया अपन ने अलग से कवर करके रखा है ग्लास से। वेस्टर्न सीट मिल जाएगी आपको, आइए। जस्ट इसके विला के अपने रूम के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छी बालकनी मिल रही है। बालकनी के अंदर अपन ने एक्स्ट्रा किचन बना के दे रहे हैं, जैसे अपने शादी पार्टी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह बनाना हो तो अपन यहाँ पे आराम से अपन बना सकते हैं। अब लेके चलते हैं हम आपको किचन की तरफ, जो कि अपना किचन प्लस डाइनिंग एरिया। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, जहाँ पे अपन कुछ भी सोफा सेट वगैरह कुछ भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस के लिए स्टेयर्स के नीचे आपको एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। यह आ गया अपना किचन प्लस डाइनिंग एरिया। एंटर करते ही आपको मिल जाएगा बढ़िया स्पेस के अंदर किचन प्लस डाइनिंग एरिया। ये इसके पास में आप देख सकते हैं ग्लास प्लस वुडन का काम मिल जाएगा, आयरन का काम मिल जाएगा। यह आ गया अपना 6 सीटर बढ़िया स्पेस के अंदर आपको डाइनिंग एरिया मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा डाइनिंग टेबल हम लगा के दे रहे हैं आपको। यहाँ पे मिल जाएगा आपको वॉश बेसिन के प्रोविज़न के साथ में आपको ग्लास का बढ़िया ही वर्क मिल जाएगा, जिसमें ग्लास के अंदर लाइट वगैरह यहाँ पे अपन डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए यहाँ पे आपको रैंक दी हुई है। यहाँ पे आपको ड्रोर वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा इसमें सामान वगैरह अपन कुछ भी रख सकते हैं, ये भी एक डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए आपको मिल जाएगी। साथ में आप देख सकते हैं इसमें लैंप वगैरह लाइट वगैरह का अच्छा ही
यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं अपन किचन का स्पेस आ गया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे किचन के लिए सब कुछ, आपको बर्तन धोने के लिए, खाना गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और पास में आप देख सकते हैं ये पेंट्री आ गई, जो कि काफ़ी अच्छी पेंट्री होने वाली है। पेंट्री की साइज़ देख सकते हैं, इसमें अपन एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह कुछ भी आराम से रख सकते हैं। इसमें एसएस के साथ में अपना किचन के साथ में काम किया हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी ट्रॉली वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैबिनेट्स की बात की जाए तो अच्छा है, अच्छे ही कैबिनेट्स मिल जाएंगे, काफ़ी स्पेस के साथ में कैबिनेट्स मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक के साथ में आपको यहाँ पे कैबिनेट मिल रहे हैं। और ये सेंसर वाली अपनी चिमनी होने वाली है, जो कि अपन सेंसर से ही चालू कर सकते हैं, इससे ही ऑफ कर सकते हैं। यह आ गया अपना किचन का वेंटिलेशन विंडो, पास में इधर भी अपना वेंटिलेशन विंडो मिल जाएगा, जो कि आराम से अपना वुडन का बनाया हुआ है, आराम से इसको खोल सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे आपको डबल सिंक मिल रहा है, जिसमें अपन डबल सिंक का यूज़ कर सकते हैं आराम से। साइलेंट वाले यहाँ पे सिंक होने वाले हैं। यहाँ पे आपको आरओ वगैरह, गीजर वगैरह का प्रोविज़न यहाँ पे मिल जाएगा, गीजर वगैरह यहाँ पे फिटेड आपको मिल जाएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पे। उससे पहले कि आप देख सकते हैं अपने प्रोफाइल लाइट वगैरह स्टेयर्स में भी काफ़ी अच्छी हमने यूज़ की है। रेलिंग की बात की जाए तो वो भी ग्लास के साथ में हमने काफ़ी हेवी क्वालिटी की रेलिंग वगैरह का यूज़ किया है। यह आ गया अपना फर्स्ट फ्लोर का काफ़ी स्पेशियस लिविंग एरिया, जो कि आपने कई मॉलों में देखा होगा, वो आपको अपने घर में मिल जाएगा। यह आ गया अपना सोफ़ा सेट, जो कि अपनी लिफ्ट के जस्ट पास में आपको सोफ़ा सेट मिल जाएगा। और जस्ट इधर आते ही आपको मिल जाएगा किड्स बेडरूम, जो कि काफ़ी स्पेशियस होने वाला है। किड्स बेडरूम में एंटर करते ही आपको दो बेड मिल जाएंगे और बीच में आपको खाली जगह मिल जाएगी। यहाँ पे बच्चों के लिए स्टडी टेबल मिल जाएगी, जहाँ पे बच्चे अपना पढ़ाई कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। यह आगे अपने दो बेड, जिसके साथ में आपको ड्रॉवर मिल जाएगी, बच्चों के लिए ड्रॉवर मिल जाएगी और पास में अटैच लेट बाथ मिल जाएंगे। और एसी फिटिंग टोटल आपको एसी वगैरह मिल जाएगी। एक से 6 BHK आज का हमारा विला रहने वाला है, कोठी रहने वाली है। 5 BHK आज की हमारी कोठी रहने वाली है। यह आगे अपना सेकंड बेडरूम, सेकंड बेडरूम भी आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ फर्स्ट बेडरूम की तरह अपना सेकंड बेडरूम रहने वाला है। उसके अंदर सेम टू सेम इसके अंदर आपको कुल्टिंग वगैरह, वॉलपेपर वगैरह, वुडन का काम वगैरह सब कुछ आपको, LED पैनल वगैरह प्रॉपर आपको दिए हुए हैं, कर्टन्स वगैरह, वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह, प्लस आपको बालकनी इधर पीछे की मिल जाएगी, जो कि अपनी वॉशिंग एरिया के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में भी आपको अटैच लेट बाथ मिल जाएंगे, ये भी काफ़ी स्पेसियस अपने लेट बाथ रहने वाले हैं। इसके साथ में भी आपको बेड के साथ में भी हाइड्रोलिक वाला सिस्टम मिल जाएगा। अब लेके चलते हैं हम आपको हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ, जो कि अपना काफ़ी स्पेसियस अपना फोर्थ बेडरूम रहने वाला है। ये देख सकते हैं फोर्थ बेडरूम की साइज़ देखी जाए तो काफ़ी स्पेसियस फोर्थ बेडरूम की साइज़ रहने वाली है। किंग साइज़ का हमने बेड लगा रखा है, जिसके साथ में सोफ़ा सेट वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ में भी आपको अटैच लेट बाथ प्लस वेंटिलेशन विंडो मिल जाएगी, प्लस AC मिल जाएगी, सब कुछ प्रॉपर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। LED पैनल की बात की जाए तो काफ़ी स्पेसियस LED पैनल और लग्जरियस LED पैनल मिलने वाले, जिसके साथ में अपने लूवर्स का यूज़ किया है। ये अपना लेट बाथ दे सकते हैं, जियो की अपने अटैच का लेट बाथ होने वाला है। इसके साथ में आपको वार्डरोब वगैरह सब कुछ प्रॉपर दिए हुए हैं। ये वास्तु फ्रेंडली अपना यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग हमने मंदिर बनाया है, जो कि स्पेसियस हमने मंदिर बनाया है, जिसके साथ में ड्रॉवर वगैरह लगा दी है, एक्स्ट्रा सामान वगैरह, बत्ती वगैरह कुछ भी अपन यहाँ पे रख सकते हैं। इस फोर सीलिंग की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी खतरनाक वाली फोर सीलिंग करवा के दे रहे हैं। यह आ गई अपनी बाहर का स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छी जगह में है। यहाँ पे अपन आराम से सोफ़ा सेट वगैरह, ग्रीनरी वगैरह लगा सकते हैं और काफ़ी स्पेस में रहने वाला है। इसका 30 का फ्रंट है तो काफ़ी अच्छा ये होने वाला है। आइए अब आपको लेके चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ। अपन चाहें तो अपने लिबर्ट से भी चल सकते हैं और अपन नहीं चलेंगे, अपन स्टेयर से चलेंगे। ये आ गया यहाँ पे MC बॉक्स, आ जाइए ऊपर। एक और आपको यहाँ पे झूमर देखने को मिल जाएगा, जो कि स्टेयर्स के बीच में अपन ने झूमर लगा के दिया हुआ है। ये भी काफ़ी स्पेसियस, काफ़ी लग्जरियस मॉड्यूलर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आइए हम अपने फिफ्थ
वाले बेडरूम में। ये है अपना पांचवा बेडरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसके साथ में एजटिस का मिल जाएगा, वॉलपेपर मिल जाएगा, वार्डरोब वगैरह मिल जाएगी, क्विल्टिंग का वर्क मिल जाएगा, पास में आपको कर्टन्स मिल जाएंगे, वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाएगी और पीछे वॉशिंग एरिया के हिसाब से आपको जगह दी जाएगी जो कि फुल्ली वेंटिलेट है। यही आगे अपनी एलईडी पैनल, इसके साथ में भी आपको अटैच लेट बाथ मिल रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्पेसेस आपको लेट बाथ दिए हुए हैं। लेट बाथ की इसके अंदर आपको जेगवार और सेरा की आपको फिटिंग मिल जाएगी प्रॉपर। ये आगे अपना थोड़ा सा स्पेस जो कि देख सकते हैं और यहाँ पे आपको थर्ड फ्लोर तक आपको अपनी लिफ्ट लेके आएगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे खुला स्पेस मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा स्पेस है। ऊपर आप देख सकते हैं गजीबो वगैरह का फुल्ली सेटअप यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। ये आगे अपनी अजमेर रोड जो कि पास में अपनी अजमेर रोड होने वाली है और यहाँ की लोकेशन की बात की जाए तो प्राइम लोकेशन है। कॉलोनी की बात की जाए तो बिल्कुल शांत यहाँ पे अपनी कॉलोनी रहने वाली है। जस्ट पास में आपको 200 फीट अजमेर बाईपास मिल जाएगी। ये आ गया इसके साथ में आपको मिनी होम थिएटर जो कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अंदर लाइट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बहुत ही अच्छा आपको मिनी होम थिएटर मिलने वाला है जो कि काफ़ी स्पेस में है। इसके साथ में भी आपको एसी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाएगी, फुल्ली साउंड वगैरह के साथ में, बिल्कुल ही जैसे अपन होम थिएटर में जाते हैं वैसे। इसमें सीट वगैरह एडजस्टेबल हो जाएगी, ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर ऑटोमेटिक एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी। ऊपर की बात की जाए तो ऊपर भी आपको आराम से बढ़िया स्पेस मिल जाएगा। आइए ऊपर का भी दिखाते हैं आपको। ये आ गया अपना एसी का आउटडोर, टोटल इसमें अपन 7 एसी लगा के दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप अपन ऊपर का, ये अपनी ऊपर की छत आ गई और आसपास में अपन एरिया देख सकते हैं। प्राइम लोकेशन आपकी यहाँ की रहने वाली है और ये आ गई अपनी अजमेर रोड 200 फीट बाईपास। सेल्बी हॉस्पिटल की बात की जाए तो जस्ट नियर बाई आपको सेल्बी हॉस्पिटल मिल जाएगा, हर प्रकार की एमिनिटीज़ मिल जाएंगी, पास में मार्केट मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएंगे, स्कूल मिल जाएंगे। सामने आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर पार्क मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप सामने, ये पार्क है जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आपको पार्क के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल पे। आप यदि नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू ऑल यूट्यूब फैमिलीज़, थैंक यू।